यूट्यूबर गाइस, आप देख रहे हैं इस वक्त जकी ग्राफिक। तो आई होप कि आप सब लोग फाइन होंगे, फिट फाट होंगे। आई एम रियली सॉरी, मैं 2 वीक से जो है अपनी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं आई एम रियली सॉरी। सो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में आप लोग को क्या सिखाने वाला हूँ, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए एक न्यूज़ लेके आया हूँ, और वो क्या है, तो आई एम सो हैप्पी कि मैं भी बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हूँ और आप लोगों के साथ भी जो है वो मैं इसको शेयर करने वाला हूँ। क्या है कि पहले हमने 20 अडोब इलस्ट्रेटर जो है हमने 20 यूज़ किया, उसके बाद 21 को किया, उसके बाद 22 को किया, और अब जो है हमको हमने क्या कौन सा यूज़ करना है, 23 जो है वो हमारा जो है वो लॉन्च हो चुका है, और बहुत ही ज़बरदस्त मेरे लिए भी न्यूज़ और आप लोग के लिए भी है। और मैं आप लोगों को आज ये पहले सबसे पहले आप लोग को सिखाऊँगा इस ट्यूटोरियल में कि मैं आप लोग को आज जो फुल एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ वो ये है कि मैं 22 जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास अडोब इलस्ट्रेटर, इसको हम जो है वो करेंगे सबसे पहले तो सीखेंगे इसमें इसको जो है वो इंस्टॉल कैसे करना है, और उसके बाद सेकंड जो बात है इसमें चेंजिंग, आपको पता है जब कोई भी नया सॉफ्टवेयर आता है तो उसमें बहुत सारा मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग ज़रूर जो होती है वो अपडेट करते हैं, सो उसमें कोई ना कोई न्यू जो इफेक्ट है उसमें जो है वो डाल देते हैं। सो इसमें जो नई अपडेट आई हैं वो भी जो है मैं नेक्स्ट आपको ज़रूर बताऊँगा, इंशाल्लाह आप लोग को सिखाऊँगा कि आप इसको कैसे करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा अपडेट अच्छी वाली आई है और आई एम सो हैप्पी। बट आज के ट्यूटोरियल में जो हम सीखेंगे वो ये है कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। सो गाइस, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके वो मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन सी वेबसाइट पे, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट है, आप किसी से भी जाके जो है वो कर सकते हैं। बट आप लोग को पता है कि ये अनलीगल काम हो जाता है जब आप किसी वेबसाइट से बताते हैं जाके फ्री डाउनलोड करें ये वो सब, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट मैंने तो जो है वो डाउनलोड कर लिया वो अल्हम्दुलिल्लाह, बट आप लोग के साथ बताऊँगा कि आप इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और इसके लिए रिक्वायर क्या है, ये आपने जो है वो पहले पढ़ लेना है, उसके बाद आपने जो है अपने पीसी अपने लैपटॉप में जो है वो इसको इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद आप इंजॉय कीजिएगा। सो गाइस चलें आप करें वीडियो को इंजॉय, और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में, तो गाइस चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पीसी में, और पीसी में जाने के बाद जहाँ पे आपने इसको डाउनलोड किया वहाँ पे आपने जाना है गो टू डाउनलोड। सो गाइस यहाँ पे मेरे पास सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे मैं इसको तलाश करता हूँ, तो ये रहा मेरे पास मेरा अडोब इलस्ट्रेटर जो है वो 23। तो इसको सबसे पहले हम करेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे मेरे पास एक्सट्रैक्ट किया इसको, तो ओपन किया जिप फाइल को, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड इसका जो है वो लगा लेता हूँ, और पासवर्ड लगाने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे जो है वो वेट करना पड़ेगा। तो गाइस आई एम सो हैप्पी इस सॉफ्टवेयर को लेके, मैं इसको मतलब यूज़ करने वाला था बट मैंने कहा पहले सबसे आप लोगों को जो है इंस्टॉल करना बताऊं, क्योंकि मैंने भी अभी अपने जो है वो लैपटॉप में अभी पीसी में जो है वो इसको इंस्टॉल नहीं किया, बट अभी कर रहा हूँ आप लोग के सामने और आप लोग के साथ भी शेयर कर रहा हूँ इसको, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाले हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत मज़े मज़े के लोगो बहुत मज़े मज़े के डिज़ाइन जो है वो हमने क्रिएट करने हैं, और बहुत मज़ा आने वाला है। ओके तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको पासवर्ड लगा के एक्सट्रैक्ट किया तो ये मेरे पास फाइल जो है वो आ गई है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पे आ गया। बट गाइस एक ज़रूरी बात आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना भूल गया हूँ, जो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपने किया होता है एंटीवायरस किया होता है उसको प्लीज़ आप काइंडली पहले यहाँ से जो है वो ऑफ कर लीजिएगा। यहाँ पे सेटिंग में जाके पहले इसको आपने ऑफ कर लेना है। यहाँ पे मैं देखता हूँ अपडेट सिक्योरिटी, मुझे याद नहीं रहा बट चलें कोई बात नहीं, अब इसको हम लोग यहाँ पे ऑफ़ कर लेंगे, क्योंकि जब इसको आप ऑफ़ नहीं करेंगे तो आपकी जो की वगैरह जो होती है वो उसको जो है वो हाइड कर देता है और प्रॉब्लम बन जाती है। अब यहाँ पे इसको आपने ये 3 ऑप्शन है, आप इन पहले सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले ही इसको ऑफ कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने ये इसको यहाँ पे ऑफ कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अडोब इलस्ट्रेटर 23, तो जब अब इसको हम करेंगे ओपन
और यहाँ पे आपने सेट रेट तो इसको आपने कर लिया होगा, बट यहाँ पे अब हम करते हैं सेटअप की बात। तो सेटअप पे आपने क्या करना है, जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद गाइज इसको हम करेंगे यस। यस करने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है इसकी लैंग्वेज की। अगर आप इसको लैंग्वेज अपनी जो है आपकी जहाँ जिस कंट्री में आप रहते हैं, जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आप उसी को सेलेक्ट करके इसको ओके कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है वो मिल जाएंगी लैंग्वेज, बहुत सारी आपको मिलेंगी। यहाँ पे मैं जो सेलेक्ट करने वाला हूँ इंग्लिश इंटरनेशनल मैं यूज़ करता हूँ, सो इसलिए मैं इसी को करूँगा। तो उसके बाद लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप लोकेशन भी अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आप सी ड्राइव में करनी है, डी में, जो भी आपकी पार्टीशन है, आप उसमें जिसमें भी आपने करना है उसको कर सकते हैं। सो मैं इसको नहीं करना चाहूँगा, बट मैं जस्ट क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये ऊपर आप देख रहे हैं ये इसका टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है इसको इंस्टॉल करने में। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कि इसमें कितना टाइम लेते हैं। तो 20% हो गया, 23.4। तो इसकी जो अपडेट आई है बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद आई हुई है। बहुत ही जो है वो इन्होंने इजी कर दी है हमारे लिए, जो कोई भी हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं या कुछ भी, तो वो बहुत ही इजी उन्होंने कर दी है। बट आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। इसको 2 वीक आई थिंक हो गए हैं, 2 से 3 वीक हो गए हैं आई थिंक जो इसको लॉन्च हुए। बट कोई बात नहीं, हम अभी इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसकी अपडेट के बारे में अगर आपको मैं जो इसकी अपडेट आई है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को ज़रूर सिखाऊँगा कि कौन कौन सी इसमें अपडेट आई है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में जस्ट यही आपको सिखाऊंगा कि आप इसको प्रॉपर जो है वो कैसे इंस्टॉल करेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और सबसे आप पहले आपको मैंने बता दिया ना कि इसको आपने इंटरनेट भी ऑफ कर लिया, डिस्कनेक्ट कर लेना, और उसके बाद आपने जो है वो इसका एंटीवायरस जो है वो आपने कर दिया। तो यहाँ पे 97% जो है वो ओके। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये कह रहा है कि हैज़ बीन सक्सेसफुल इंस्टॉल, तो ओके डैट्स गुड। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो है वो हो गया। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अभी इसमें ज़रूरत नहीं है, बट चलें अब हम देखते हैं कि जी हमने कहाँ पे इसको जो है वो इंस्टॉल किया है और कहाँ पे। ओपन करके आप लोग को दिखा देता हूँ, इंशाल्लाह आपका बहुत टाइम जो है ये सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह चलेगा, उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोग को गाइस सारा बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने जब इसको स्टार्ट किया था तो मैंने 20 पे वर्क किया था, उसके बाद 21 को अल्हम्दुलिल्लाह किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 22 को भी किया, और अब जो है हमारे पास न्यू आ गया है, यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा Adobe Illustrator 23। अब इसकी बारी है, तो अब इसको हम करेंगे यूज़। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है वो ओपन करके दिखा देता हूँ, और पहले सबसे पहले चलते हैं इसकी लोकेशन पे और इसको लेके आते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे। तो ये रहा जी हमारा 23, और इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, क्योंकि अब हमने करना इस पर वर्क, तो इसलिए सामने नज़र आना चाहिए। सो अब हमने क्या करना है कि इंस्टॉल तो हो गया, अब पहले इसका जो है वो मैं एंटीवायरस जो ओपन कर लेता हूँ। अब ओके डन हो गया, सेटिंग को भी ऑफ कर लेते हैं गाइस। तो अब हम इसको करते हैं ओपन करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओपन करके देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो सीखेंगे कि इसको इसमें कौन कौन सी अपडेट आई है। तो हमने इस पर क्लिक किया है, तो अब थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उतनी देर में गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पे आपको नीचे लाल बटन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक कर दें। आपसे बात कर रहा हूँ, आप इधर उधर देख रहे हैं, आप भी से बात कर रहा हूँ, दो बटन को, लाल बटन को प्रेस करना है आपने, और साथ ही लाइक भी कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो।
तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ये ओपन हो गया, तो इसका कुछ यहाँ पे स्टार्ट ए न्यू फाइल फास्ट, तो यहाँ पे इसका इंटरफेस कुछ आपके पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर इसको यहाँ से अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। A4 यहाँ पे साइज लगा हुआ है, आईफोन एक्स लिखा है और सारे जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट न्यू, यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह होती है जो आपने करनी है, इसको CMY में करना है, RGB में ओपन करना है, जिसमें भी आप करना चाहें वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल RGB कर लेता हूँ और करने के बाद इसको क्रिएट कर लेते हैं। A4 ही मैंने इसको अभी फ़िलहाल ओपन किया, तो अभी इसके चलते हैं सेटिंग में, देखते हैं इसमें क्या है। और वाओ गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ये ओपन हो गया, तो आप देख सकते हैं इसमें अभी हमें सेटिंग करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सेटिंग भी बता दूंगा और इसमें जो अपडेट आई है वो भी आपको एक अलग वीडियो जो है वो बना के जो है वो दिखाऊंगा। अभी इसमें बहुत सारे टूल्स जो हैं वो मिस हैं और यहाँ पर भी सेटिंग है, ऊपर भी हमने सेटिंग करनी है। जैसे कि मैंने अगर आपने नहीं देखी तो मेरे जो है वो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में 22 में जैसे मैंने की थी, शायद उसी तरह ही हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि सारे टूल्स वो आपके कैसे शो होंगे और दूसरी सेटिंग जो है वो कैसे होगी। तो आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगी, आपको इंस्टॉल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको मैंने वन जो है सेटअप बाई सेटअप जो है आपको बता दिया कि आप इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो गाइस खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।